Hi everyone, welcome back to my channel Creative at Home. So again बारिश, आज फिर सुबह से बारिश हो रही है और कल भी बारिश हुई थी जहाँ पे मैंने पूरी टेरेस अपनी क्लीन की. आज फिर से पानी भरा हुआ है मेरी छत पे, बट फिर भी मैं खुश हूँ. बारिश जब भी होती है मैं खुश होती हूँ. आज छत पे अमरूद भी गिरे हुए हैं फिर से और देख रहे हैं कुछ अमरूद जो है वो तोते खा के और आधा छोड़ देते हैं. जैसे इस अमरूद में भी तोते ने खा के अपना छोड़ा हुआ है जो कि अब पक के गिर चुका है. और एज़ यूज़ुअल मेरा चंपा का पेड़ फिर से गिरा हुआ है, वो आंधी तूफान नहीं झेल पाया. सो आज इसको काटने का टाइम आ गया है क्योंकि मैं चाहती थी बारिश हो जाए. और जहाँ पे मुझे ये चंपा का डालियाँ ये लगानी थी वो अगर बारिश नहीं होती तो मुझे वो मिट्टी खोदने में बहुत दिक्कत होती. इसलिए मेरा बहुत दिनों से ये प्लान था कि जैसे ही एक दो दिन की बारिश हो जाएगी तो मैं यहाँ से अपना ये चंपा का पेड़ काट कर उसको छोटा करूँगी, क्योंकि मेरा ये गमला इतने बड़े पौधे का भार नहीं ले पा रहा था. और जब भी आंधी और बारिश आती थी तो ये हर समय गिर जाता था, जिससे मुझे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं ये गमला ना टूट जाए. सो मैं इसी बात की वेट कर रही थी कि बारिश हो और मैं जाके इसकी सारी डालियाँ लगा के आऊँ. सो ये सारी जो मैंने डाली काटी है उसको मैं अपने घर के सामने जो मेरा एक लेक है उस पार्क में लगाने का प्लान किया था मैंने. लेकिन उसके लिए मुझे था कि हाँ, क्योंकि वहाँ पे एज सच कुछ डेली पानी नहीं डाला जाता है, जो नेचुरल बारिश होती है उससे ही वहाँ के पौधे पनपते हैं. सो मुझे ये था कि हाँ, बारिश हो जाने पे ही मैं इसे वहाँ जाके लगा के आऊँ. सो आज मेरी ये 12 डालियाँ तैयार हैं वहाँ पे लगाने के लिए. नाउ आई एम रेडी टू टेक दीज ऑल इन माई लेक पार्क. सो ये वो पार्क है जहाँ पे मैंने प्लान किया हुआ है यहाँ लगाने का, दोनों साइड में स्टेयर्स के. और मैं चाहती हूँ कि ये बड़े होके मेरी छत से दिखें और अच्छे और सुंदर फूल खिलें जो कि मैं यहाँ से देख के खुश हूँ. चंपा का पौधा ऐसा होता है जो बहुत ईजिली लग जाता है, क्योंकि मैंने भी अपने घर में डाली से ही लगाया था. सो मुझे ये था कि ये बहुत ईजिली लग जाएगा. सो इस काम में मेरे बेटे ने और मेरी आंटी जो कि मेरी नेबर हैं उन्होंने हेल्प की, मेरी डॉटर ने भी बहुत हेल्प की इसमें, उसने ही सारी वीडियोस शूट की हैं. तो मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये हम सब की मेहनत है जिसकी वजह से मैं यहाँ आके लगा पाई हूँ आज. बट बहुत अफसोस होता है जब हम अपने साथ के लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं फैला पाते हैं कि अगर आपका घर साफ़ और सुथरा होना चाहिए तो आपके अगल बगल में जो आपके सामने जो जगह है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए. यहाँ पे हमेशा का ये प्रॉब्लम रहा है कि लोग यहाँ पे मछलियों को पानी डालने आते हैं और जो पॉलीथीन, जो कूड़ा, इवन घर का कूड़ा भी लोग यहाँ पे डाल जाते हैं. तो मुझे यहाँ पे लगाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि मिट्टी ही नहीं मिल रही थी मुझे जिसके अंदर मैं ये लगा सकूं. वहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं ये कितना कूड़ा है जो कि लोग आके अपने घर का पूजा पाठ जो होता है उसका, फूल का, उनकी चूड़ियों का, सारा कुछ यहाँ पे पॉलिथ बैग और बहुत कपड़े, ऐसा बहुत कुछ जो कि बहुत यहाँ पे गंदगी फैला रहा है, ये सारा कुछ डाल के जाते हैं. और मना करने के बावजूद
उन्हें समझ नहीं आता है। ये चीज़ें शायद आई डोंट नो कि ये कैसे लोगों को अवेयरनेस की जाए कि ये भी आप ही का जगह है, ये आपकी ही कंट्री है जहाँ पे आप आते हो और गंदगी फेंक के चले जाते हो। लोग हर कोई अपना घर साफ़ कर लेता है लेकिन अपने पास की अगल बगल की जगह नहीं साफ़ करना चाहता है। उन्हें लगता है कि ये तो हमारा नहीं है और वहाँ पे गंदगी फेंक के चले जाते हैं। मैंने कई बार इस पार्क में आके यहाँ पे सफाई भी की है। मेरे घर के ये अपोजिट साइड है, मेरे घर के जस्ट सामने जो इसका एक एरिया है वो मैंने हमेशा वहाँ जाके साफ़ किया है। अभी आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे जब मैंने ये लगाया तो मुझे काफ़ी दिक्कत उठाई मैंने, क्योंकि इसमें बहुत सारे पत्थर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने हाथ से निकाल के साफ़ किया। और जब मुझे दिखा कि हाँ मिट्टी है थोड़ी सी मिली मुझे, तो मैंने उसमें किसी तरह से इस चंपा के पौधे को लगाया। हालांकि चंपा का पौधा ऐसा होता है जो कि ईज़िली लग जाता है, अगर आप उसे थोड़ा सा भी अगर उसे मिट्टी और पानी मिलता है तो वो लग जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह जो मुझे लगी, मुझे दिखी, वो थोड़ा सा निकाल के मिट्टी, और मैंने वहाँ पे इसे लगा दिया। हल्की हल्की बूंदें बारिश हो रही हैं, फिर भी मुझे लगा कि अगर बारिश होती ही रहेगी तो ये पौधा लग जाएगा, इसलिए मैं लेके आई। और मुझे लगा कि यहाँ पे अभी लगाऊंगी तो बारिश की बूंदें थोड़ा मिल जाएंगी, इसको पानी मिल जाएगा और ये लग जाएगा। लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है जब यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था देखती हूँ। हालांकि जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से मैं और मेरे हस्बैंड अनगिनत लोगों को कांटेक्ट कर चुके हैं इस पार्क की सफाई का, इस झील की सफाई का, इस झील में चारों तरफ ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से शाखाएं बनी हुई हैं, हम लोग वहाँ पे भी जाके बात करके आए हैं, लेकिन इतने सालों में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो मुझे लगता है कि मैं दूसरों को बोलूँ इससे बेटर है मैं खुद कर लूँ। तो अभी तक मैंने कई बार यहाँ पे आके पौधे लगाए लेकिन फिर वो गायब होते हैं और वो लगे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर माली नहीं है, कोई भी टेक केयर करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं जब भी कुछ करके जाती हूँ, इससे पहले भी मैं यहाँ पे पौधे लगा के गई हूँ लेकिन वो नहीं टिके। आज फिर एक कोशिश है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ आपका अपना भी फ़र्ज़ होता है, कुछ आपकी कंट्री के लिए आपका अपना शौक़ भी होता है। और मुझे इस चीज़ का शौक़ है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आसपास की जगह जो है वो बहुत सुंदर बना के रखूँ, और उसमें मैं अपनी तरफ से जितना योगदान दे सकती हूँ मैं करूँ। सो ये मेरी एक कोशिश है, देखते हैं ये कोशिश कितनी रंग लाती है, ये पौधे बचते भी हैं या नहीं, ये आके मुझे फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे कई पौधे मैं लगा के गई जो कि नहीं बचे। सो एक साइड में स्टेयर्स के मैंने लगाया और दूसरे साइड में मेरे बेटे ने लगाया, और दोनों तरफ मिला के हम लोगों ने यहाँ पे 13 ब्रांचेस चंपा की लगाई। लेट्स सी आगे कितने दिनों तक ये चल पाएगा, और कोशिश करती रहूँगी अपनी। आगे देखते हैं गवर्नमेंट कितना सहयोग देती है। हालांकि हम लोगों ने हर बार उनसे जाके हेल्प मांगी है लेकिन पहले से काफ़ी सुधार है, लेकिन कूड़ा तो आप भी देख रहे हैं ये किस तरीके से अभी भी यहाँ पे होता है। लेट्स सी, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अपने आसपास की जगह को सुंदर बना सकूँ इन प्लांट्स के थ्रू। और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी अगर हो सके तो जितनी अपनी कोशिश कर सकते हैं अपने आसपास की जगह को सुंदर बनाइए, पौधे लगाइए। और सिर्फ ये गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, ये हम भी चाहें तो इसे सुंदर बना सकते हैं। सो अगर आपके आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप पौधे लगा सकते हैं और उसे सुंदर बना सकते हैं तो प्लीज़
आप भी ऐसा ही कीजिए। आफ्टर ये सारे लगाने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से सारे पौधे लग चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो आइए आपको लेके चलती हूँ पार्क का दूसरा साइड। ये साइड मेरे घर का फ्रंट है, जो मेरे घर के सामने इस पार्क का जो एक साइड आता है। इस पार्क में मैं आज से 2-3 साल पहले से काम कर रही हूँ। जब मैंने यहाँ पे देखा था तब यहाँ पे बहुत बुरी हालत थी और पूरी जंगली घास पूरी लगी हुई थी। पेड़ जो लगे हुए हैं उनकी टहनियाँ नीचे नीचे तक लटकती रहती थी। सो हम लोगों ने गवर्नमेंट से कई बार मेल डाला, कई बार एप्लीकेशन डाला कि ये इसको साफ़ किया जाए, पर ये नहीं हुआ। सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया कि हम खुद करेंगे। फिर हम यहाँ पे बहुत सारे अशोक के पेड़, ये आप देख रहे हैं ये अशोक का पेड़, ये हम लोगों ने ही यहाँ पे प्लांट किया हुआ है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे अशोक के पेड़, 10-12 पेड़ हम लोगों ने प्रॉपर वे में यहाँ पे लगाए हुए हैं। गुड़हल का पेड़ ये हम लोगों का लगाया हुआ है, हमने चांदनी का पेड़ लगाया यहाँ पे। ये मेरे घर पे अम्ब्रेला पाम था जो कि वहाँ पे सूख रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पे पानी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे लगा देती हूँ। और आज आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा फैल गया है, और यहाँ से कई बार जब हमें अब ज़रूरत होती है तो हम लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे इतना है कि अगर किसी को चाहिए तो वो ले भी सकता है। लेकिन खुशी ये इस बात की है कि यहाँ पे जो प्लांट्स मैंने लगाए वो लगे हुए हैं। कई पौधे तो यहाँ से गायब भी हुए हैं, चोरी हो गए। मैंने यहाँ पे करी पत्ता, मीठी नीम का एक पेड़ लगाया जो कि वो यहाँ से किसी ने उखाड़ लिया, किसी ने चुरा लिया। केले का पेड़ मैंने लाके लगाया सो दैट कि यहाँ पे लगा रहेगा तो अच्छा है, वो भी यहाँ पे लोगों ने नहीं छोड़ा। बेला लगाया कि अच्छा फूल खिलेगा, ये भी फूल का पेड़, ये बगनवेलिया को मैंने बहुत अच्छे से सेट किया, ये फूल का पेड़ मैंने लगाया। ये ब्लू कलर का विष्णु पेड़ या कुछ ऐसा बोलते हैं, जो ब्लू कलर की घंटी वाली फूल आते हैं। कनेल का पेड़ मैंने अपने घर से ला के यहाँ पर लगा दिया। तो कोशिश बहुत की यहाँ पे करने की। पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से ये पार्क बंद था, तो मैं नहीं यहाँ पे आ पाई। अदरवाइज़ यहाँ पे आके झाड़ू लगाना, यहाँ पे पूरी सफाई करना, और जो पेड़ बड़े हो जाते थे उनकी कटिंग करवाना, बाहर से मजदूर लाके 500 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करवा के वहाँ पे पूरा क्लीन करवाया हम लोगों ने। पूरी कई बार ऐसे मजदूर लाके हम लोग यहाँ पे काम करवा चुके हैं सो दैट हमारा घर का जो फ्रंट है ये बहुत सुंदर हो जाए, ये अच्छा हो जाए। ये पार्क बहुत सुंदर है और जो कि गवर्नमेंट के नज़र में नहीं आ रहा है इसलिए ये सुंदर नहीं बन पा रहा है। लेकिन एक अकेले के करने से नहीं होता है, जब तक हम सब मिलके इसमें हाथ ना बढ़ाएं। तो हालांकि इस पार्क में लोग वॉक करने बहुत आते हैं, उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि मैं कुछ कर रही हूँ, और हर बार वो मुझे ये बोल के जाते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन खुद शायद वो अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं। बट स्टिल मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। सो मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपके भी आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप खुद कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और अपने देश को सुंदर बनाइए, साफ़ सुथरा रखिए, अपना योगदान दीजिए। जहाँ पे आपकी कोशिश होगी तो शायद दूसरे भी देख के प्रोत्साहित होएं और वो भी शायद करें। सो अपनी कोशिश जारी रखें। होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आप लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।